शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्तः भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमाम्बुदाम्बुजम्। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग हे कृष्ण, जो लोग लगातार आपके बारे में श्रवण करते हैं, आपके गुणगान करते हैं, आपकी क्रियाओं को, आप जो दिव्य कार्यकलाप हैं दूसरों को बताते हैं और सुख अनुभव करते हैं जब दूसरे लोग उसका गुणगान करते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपके चरणों की प्राप्ति करते हैं और वही चरण हमारे जन्म मृत्यु के बंधन को रोक सकते हैं। शब्दों के अर्थों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं, शुणवंती मतलब सुनते हैं, गायंती सुनने के बाद गायन करते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, गृणंती का अर्थ है उसको स्वीकार करते हैं, अच्छा मानते हैं, अभीष्णश का अर्थ है लगातार, यानी कि लगातार जो गाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, स्वीकार करते हैं। बहुत बार कभी कभी लोग सुनते हैं कोई वस्तु लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हृदय में, तो भक्त लोग इसी को अच्छा मानते हैं। स्मरन्ति बार बार उसी का स्मरण करते हैं, और नंदन्ति अर्थात जब कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे भक्त बोलते हैं तो उसको बड़े चाव से सुनते हैं, बड़ा अच्छा उसको उनको लगता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्त करता है तो वह निश्चित रूप से तएव पश्यन्ति, पश्यन्ति यहाँ पर शब्द है, ये बहुवचन में है, अर्थात केवल एक ही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे भक्त इस प्रकार से अचिरेण तावकम बहुत जल्दी आपके चरणों की प्राप्ति करेंगे, आपके पदाम्बुज की प्राप्ति करेंगे और भव प्रवाह जो है, जन्म मृत्यु का चक्र है, वह समाप्त हो जाएगा। तो ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है, ये माता कुंती के द्वारा बोला गया है और यह बताता है भगवान के इस जगत में प्रकट होने के मुख्य कारण को। यहां पे बता रहे हैं कि एवा, एवा का अर्थ है कि वही लोग भगवान को देखेंगे और लोग नहीं देख पाएंगे जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं। इस संबंध में भगवान ने दशम स्कंद में बोला है कि भगवान के सामने रहने मात्र से प्रेम नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं इसमें कि जरासंध, शिशुपाल आदि थे, लेकिन वह भगवान को, भगवान के जो जो जब धरती पे भगवान थे उनकी उपस्थिति को वो अनुभव नहीं कर पाते थे, भगवान के रूप में उनसे प्रेम नहीं होता था, उनसे उनको देख करके सुख अनुभव नहीं होता था, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। तो बड़ा अद्भुत बात यह है कि भगवान अगर सामने भी हो लेकिन अगर किसी ने श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भगवान के चरण में प्रेम नहीं उत्पन्न किया है तो नहीं देख पाएगा। एक अर्थ तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो देख, जिस प्रकार से भगवत प्रेम प्राप्त करेगा तो भगवान के चरणों को देखेगा, एक तो ये बात है। दूसरा है कि जिसने नहीं उत्पन्न किया है तो भगवान को देखने के बावजूद भगवान को देख नहीं पाएगा, यानी भगवान को देखने का अर्थ है उनके माधुर्य का अनुभव करना, लेकिन वो देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द है अचिरेणा, अचिरेणा का अर्थ है कि बहुत समय नहीं लगेगा, चिर का मतलब होता है चिरकाल, आप हिंदी में समझते हैं इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय, तो अचिरेणा का मतलब है बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा वह आपके चरणों कमलों को देखेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपके अब विस्तारों को देखेगा। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, हे कृष्ण आपके चरणों को देखेगा, आपके बारे में श्रवण कीर्तन करेगा तो आपके चरणों की प्राप्ति होगी। और वो चरण कैसे हैं, वो चरण ऐसे हैं जो हमारे भव प्रवाह, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसको रोक देते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी जो भगवान के चरण कमल हैं वह भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र को अचिरेण समाप्त कर देते हैं, बहुत जल्दी समाप्त करते हैं। तो अगर कोई भगवान के रूप जो कि विभिन्न दिव्य गुणों से युक्त है उसको अनुभव करना चाहता है तो उसको भगवान के जो षट ऐश्वर्य हैं उनको भी देखना होगा, तो वो तभी देख पाएगा, तभी समझ पाएगा जब वह इस प्रकार से छह प्रकार से भगवान की सेवा करे, छह प्रकार से नहीं, पांच प्रकार से, सुने, गाए, बोले, स्मरण करे,
और ये मुख्य भक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनता है तो फिर अन्य सारी भक्तियाँ परफेक्ट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के लिए खाना बना रहा है तो वो भगवान के लिए खाना बना रहा है ये भाव उसके लिए तभी आएगा जब वह प्रमाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम जो सुने। वो नाम जप भी कर रहा है, नाम जप अपने आप में शक्तिशाली तो है ही, लेकिन जो भागवतम से सुनते हैं किस प्रकार से भगवान का नाम का महिमा है तो और श्रद्धा हो जाती है। तो भक्ति में कोई भी अंग जब करते हैं जितनी श्रद्धा से करते हैं उतनी मात्रा में वो ओम को अधिक लाभ प्रदान करता है। तो श्रद्धा हमको श्रीमद् भागवतम से भगवत गीता से प्राप्त होती है, लेकिन जब हम प्रमाणिक भक्तों से सुनते हैं इसलिए आवश्यक है। प्रभुपाद बल देते हैं कि जो श्रवण का प्रोसेस है ये अगर पक्का है, ये दृढ़ है, तो अन्य सारे जो अंग हैं भक्ति के वह बहुत अच्छी जल्दी बहुत जल्दी फल देते हैं, ठीक प्रकार से साधित होते हैं। तो यही बात है कि जो इस प्रकार से लगातार लगा है भगवान के बार श्रवण कीर्तन में वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा।